हेलो एवरीबॉडी दोस्तों, क्यों यूरोपियन कंट्रीज़ अब अमेरिका से दुखी हो चुके हैं और नेटो छोड़ने की हालत आ गई उनके लिए? क्यों यूरोप के सबसे बड़ी पावर्स फ्रांस और जर्मनी अब अमेरिका का साथ छोड़ती हुई नज़र आ रही हैं? अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों दिख यही रहा है, जब से ये रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई है तब से ये डिक्लाइन इन पावर वेस्टर्न कंट्रीज़ में बढ़ती ही जा रही है। दोस्तों एक टाइम हुआ करता था जब यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका किसी को कुछ बोलते थे करने के लिए तो बाकी कंट्रीज़ को वो अपनी मर्जी से ना सही लेकिन उस चीज़ को मानते हुए अपनी पॉलिसीज़ में बदलाव करने पड़ते थे। लेकिन इस बार 2020 से शुरू हुए इस दशक में बहुत कुछ बदलता दिख रहा है, जहाँ पर अमेरिका और यूरोप सिर्फ ये दो ही प्लेयर होते थे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की गेम में, वहाँ पर अब नए प्लेयर्स उभरते हुए दिख रहे हैं, इंडिया, चाइना और रशिया। ये तीनों ईस्टर्न कंट्रीज़ अब बहुत ही अच्छे तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज़ को काउंटर कर रही हैं, इकोनॉमिकली भी और हार्ड पावर के थ्रू भी। आइए जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है, क्यों ये वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए एक नाइटमेयर वाला सीन हो रखा है, क्यों अमेरिका अब जगह जगह जलील हो रहा है। आइए समझते हैं इस वीडियो में। Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну, что ты скажешь? Пусть попробуют. Permanent member of the United Nations Security Council invaded its neighbor, attempted to erase the sovereign state from the map. So, the world is changing, new players are coming, new capabilities are coming, but a new agenda must come. The world cannot be that Eurocentric as it used to. अब जरा मैं आपको पूरी कहानी शुरुआत से बताता हूँ कि ऐसा हो क्यों रहा है, ये उल्टा काम चल क्यों रहा है। वैसे दोस्तों, जब यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट थे नेटो में शामिल होने के लिए, यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से रशिया से उनको बहुत ख़तरा महसूस होता था। जैसे 2014 में रशिया ने इस पेनिनसुला को, जिसको क्रीमिया कहते हैं, जो कि 2014 से पहले यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था, उस पर ज़बरदस्ती मिलिट्री के थ्रू एक रेफरेंडम कराया और अब ये पूरा पेनिनसुला रशियन ऑक्यूपेशन के अंडर है। और साथ ही साथ यूक्रेन के जो ईस्टर्न पार्ट हैं जिनसे रशिया का बॉर्डर लगता है, डोनेट्स और लोहानस्क वाले एरिए में बहुत से सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलते रहते हैं यूक्रेन के खिलाफ, जो कि कहा जाता है कि रशिया इन्हें फंड करता है। और अब जब रशिया ने एक फुल स्केल इन्वेजन अनाउंस किया है यूक्रेन के ऊपर 24 फरवरी 2022 को, तब इन सारे वेस्टर्न कंट्रीज़, इन शॉर्ट नेटो कंट्रीज़ ने, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ ने रशिया के ऊपर बहुत ही हैवी इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए हैं। शायद ही कोई ऐसी चीज़ छोड़ी होगी इन्होंने जिसको सैंक्शन ना किया गया हो रशिया की, कि हम आपसे ऑयल नहीं खरीदेंगे, हम गैस नहीं खरीदेंगे, आपसे बिल्कुल ट्रेड बंद कर देंगे। और कुछ मेजर कंट्रीज़ जो कि नेटो का पार्ट नहीं है, जैसे इंडिया, इंडिया पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया गया नेटो कंट्रीज़ के थ्रू, स्पेशली अमेरिका के थ्रू, नेटो इज़ असेंशली अमेरिका, अमेरिका के थ्रू बहुत प्रेशर बनाया गया इंडिया के ऊपर कि अब आप रशिया से ट्रेड कट कर दीजिए, आप रशिया को बॉयकॉट कर दीजिए। लेकिन इंडिया ने अमेरिका को साफ इनकार कर दिया किसी भी चीज़ को मानने से। इंडिया ने यही कहा कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी अपने हिसाब से चलाएंगे, आप कोई नहीं होते हमें बताने वाले, हमारा जहां से मन करेगा हम वहां से ऑयल खरीदेंगे। बहरहाल इन वेस्टर्न कंट्रीज़ को ये लगा कि जब हम सैंक्शंस लगा देंगे तब रशियन इकॉनमी कोलैप्स कर जाएगी और व्लादिमीर पुतिन इस वॉर को रोक देंगे। लेकिन क्या रशिया को इस सब का पता नहीं होगा वॉर शुरू होने से पहले कि उसके ऊपर ऐसे सैंक्शंस लग सकते हैं? बिल्कुल पता था। यहाँ पर कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट आता है दोस्तों। अब तक कुछ इस तरह से कहानी होती आई है कि यूरोपियन कंट्रीज़ की जो 50% गैस सप्लाई है वो रशिया पूरी करता है। रशिया से लेकर जर्मनी तक एक नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन बिछा रखी है रशिया जर्मनी ने मिल करके, जिसको 6 साल लगे थे बनने में। वो पाइपलाइन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है यूरोपियन कंट्रीज़ की गैस सप्लाई के लिए रशिया से। अब ये कंट्रीज़ करती क्या है कि गर्मियों में तो बहुत सारा गैस का स्टॉक इकट्ठा कर लेती हैं अपने देशों में, देन उसी स्टॉक को वो सर्दियों में यूज़ करते हैं। वहाँ के आम लोग गैस को ख़रीदते हैं अपने घरों को गर्म रखने के लिए, हीटर्स में डालने के लिए, और रशिया ने यूरोपियन कंट्रीज़ की इसी कमज़ोरी को उनके खिलाफ यूज़ करा। दोस्तों याद करो, रशिया ने अपना इन्वेजन कब शुरू किया था? 24 फरवरी को, जब सर्दियाँ ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली थी और साथ ही साथ उनका गैस का स्टॉक भी ख़त्म होने वाला था यूरोपियन कंट्रीज़ का। और इसी वजह से यूरोपियन कंट्रीज़ ने गैस की भारी ज़रूरत को देखते हुए आने वाली सर्दियों के लिए ग्लोबल का पुलिसमैन बनने के लिए रशिया के ऊपर सैंक्शंस तो लगा दिए,
लेकिन कुछ रास्ते अभी भी रशिया के लिए खुले छोड़ दिए गैस बेचने के लिए, ताकि वो अपनी गैस की पूर्ति कर सकें। और फिर बाद में वो दूसरी कंट्रीज पे भी प्रेशर डालते हैं कि आप मत खरीदो, लेकिन आज के टाइम में उनकी बात कोई सुन के राज़ी नहीं है। लेकिन इसी बीच होता क्या है कि रशिया ने मेंटेनेंस के नाम पर इस नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को बंद कर दिया कि अभी हम आपको गैस सप्लाई नहीं कर सकते ड्यू टू मेंटेनेंस रीजंस, जिसकी वजह से गैस की सप्लाई बहुत कम हो गई और डिमांड तो अब भी उतनी ही है गैस की, तो प्राइस ऊपर जाएंगे। ये तो बहुत ही बेसिक बिजनेस प्रिंसिपल है कि अगर सप्लाई कम होगी डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और यही इस वक्त यूरोप में हो रहा है। गैस के प्राइसेस आसमान छू रहे हैं, एक आम आदमी के लिए वहाँ गैस खरीदना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो ऐसे में गैस और ऑयल की सप्लाई रशिया से बिल्कुल ना के बराबर हो चुकी है। तो ऐसे में अब अमेरिका बन जाता है यूरोपियन कंट्रीज़ का मसीहा और जाता है सऊदी अरेबिया के पास, और सऊदीज़ को ये ऑर्डर करता है कि आप ऑयल के प्रोडक्शन को बढ़ा दो जिससे कीमतें कम चली जाएं। लेकिन सऊदी अरेबिया ये करने से बिल्कुल इनकार कर देता है अमेरिका को। इनफैक्ट जब अमेरिका ने उनको ये प्राइस कम करने को कहा, प्रोडक्शन बढ़ाने को कहा, सऊदी अरेबिया ने इसका उल्टा रिजल्ट दिखाया। उन्होंने 2 मिलियन बैरल पर डे से प्रोडक्शन घटा दी और प्राइस को और ज़्यादा बढ़ा दिया। अब यार ये तो बहुत ही बेसिक बिजनेस स्ट्रेटजी है, अगर मार्केट में आप अकेले हो सामान बेचने वाले तो उसका पूरा फ़ायदा उठाते हो कीमतें बढ़ा करके और सप्लाई को कम करके। अब ये सिचुएशन यूरोपियन देशों के लिए बहुत ही बड़ा नाइटमेयर निकल के सामने आ रही थी, लेकिन अमेरिकन्स को ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी दिख रही थी। दोस्तों अमेरिका जो है ना, वैसे तो उसके पास कोई सोर्स नहीं है ऑयल और गैस प्रोड्यूस करने का, लेकिन कुछ ही सालों पहले उन्होंने गैस जनरेट करने का एक नया तरीका खोजा है जिसे बोलते हैं शेल गैस। अभी शेल गैस क्या होता है मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, वरना टॉपिक अलग हो जाएगा फिर वीडियो का, उसको मैं किसी सेपरेट वीडियो में समझा दूंगा। आप अभी इतना समझ लो कि ये अमेरिका अपनी खुद की भी गैस बेचता है वर्ल्ड में, जिसको वो शेल गैस बोलता है। कि अभी रशिया से उम्मीद कुछ नहीं है, सऊदी अरेबिया ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए यूएसए ने अपनी शेल गैस बेचना शुरू कर दिया है यूरोप को, और वो भी बहुत ही ज़्यादा हाई कॉस्ट पे, जिससे यूरोप अब बहुत ही ज़्यादा तंग आ चुका है। फ्रांस में प्रोटेस्ट चलने शुरू हो गए हैं, लोग सड़कों पर उतर आए हैं कि नेटो को छोड़ दो, फ्रांस नेटो से बाहर हो जाए। अभी नेटो छोड़ने की बातें क्यों आ रही हैं दोस्तों? ये जो डिसीजन है कि हम रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे, गैस नहीं खरीदेंगे, ये सब डिसीजंस एक्चुअल में यूएस डिसाइड करता है। उसकी एक नेटो ऑर्गेनाइजेशन है, ये बेसिकली एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी लगभग सारी यूरोपियन कंट्रीज उसका पार्ट हैं। तो यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी रहती है दुनिया को लेकर के, मोर और लेस वही पॉलिसी इन सब की भी रहती है। और दोस्तों यही एक बहुत बड़ा कारण है कि इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस अब बिगड़ते हुए दिख रहे हैं बहुत बुरी तरह से, क्योंकि इंडिया चलता है अपनी मर्जी से। इंडिया की अपनी खुद की फॉरेन पॉलिसी है जो कि अमेरिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इंडिया साफ ये बोलता है कि अमेरिका आकर हमें नहीं बताएगा कि हमें करना क्या है, हम जो करेंगे अपनी मर्जी से करेंगे। और आपने न्यूज़ में ये भी सुना होगा कि रशिया अपनी मिलिट्री को अब हटा रहा है, कुछ एरियाज रशिया हार भी गया है। एक टाइम था जब वॉर की शुरुआत में रशिया बहुत ही ज़्यादा नज़दीक पहुंच गया था यूक्रेन की राजधानी कीव के ऊपर, लेकिन अब वहां से पीछे हटता दिख रहा है। पूरी दुनिया में यही दिख रहा है कि रशिया अब वॉर हार रहा है। बेसिकली हमें ये लगता है कि ये रशिया की एक स्लो वॉर स्ट्रेटजी है, वो विंटर्स का वेट कर रहा है ताकि यूरोपियन कंट्रीज़ खुद के लगाए सैंक्शंस के इस जाल में फंस सकें, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी एनर्जी क्राइसिस क्रिएट हो रही है यूरोप में। लेकिन एक तरफ जो इनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है, इंडिया की इकोनॉमी बहुत ही तेज़ी से राइज़ कर रही है। 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में जहां अमेरिका चाइना जैसे कंट्रीज़ की इकोनॉमी 0.4% 1% कुछ की तो माइनस में भी इकोनॉमी गई है, इनकी इतने कम रेट से इकोनॉमी ग्रो कर रही है, वहीं इंडिया की इकोनॉमी बढ़ी है 13.2% से। और इसी के चलते इंडिया विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। यूके पहले जो कि 5th पे होता था, अब वो 6th पे आ गया है। पर ये बात अमेरिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, क्योंकि किसी भी देश को यूं ही ग्रो करते छोड़ देना, अमेरिका पहले ये गलती चाइना के साथ कर चुका है, और चाइना आज की डेट में अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सर दर्द बन चुका है। वो उसी को डीथ्रोन करना चाहता है सुपर पावर की पोजीशन से, तो ये गलती अमेरिका इंडिया के साथ वापस से रिपीट नहीं करना चाहेगा। हाँ, थोड़ा बहुत वो ग्रो करने देगा इंडिया को चाइना के खिलाफ काउंटर करने के लिए, लेकिन वो अगला चाइना इंडिया को नहीं बनने दे सकता, अगर मैं यूएस के सेल्फ इंटरेस्ट की बात करूँ तो। सो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, बहुत कुछ होने वाला है आगे इस डेकेड में। अभी
तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको वर्ल्ड को देखने का एक अलग पर्सपेक्टिव मिला होगा कि कोई भी देश फ्री में किसी की मदद नहीं करता, कोई भी देश नहीं चाहता कि उसको डीथ्रोन कर दिया जाए उसकी पोजीशन से, फिर चाहे सामने वाला देश उसका कितना भी बड़ा मित्र क्यों ना हो। सो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सिया बाय।